वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, पाकिस्तान की तरफ उठने वाली आंखों को नोच लेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के खसूसी इजलास से वीडियो लिंक खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने आज के दिन गाजबाना तौर पर मकबूजा कश्मीर के हकूक छीन लिए। मकबूजा कश्मीर में गैर मुकामी लोगों को जायदादें खरीदने की गैर कानूनी इजाज़त दी गई। 5 अगस्त को भारत ने आर्टिकल 370-35A को मनसूख कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 77 साल गुजरने के बावजूद भी वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख है। एक दिन आएगा जब हम सजदा शुक्र अदा करेंगे, वो दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी। वजीर आजम ने कहा कि आज के दिन हम कश्मीरी भाइयों को सलाम अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी सियासी हिमायत जारी रखेगा। कायद अजम ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग करार दिया। भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, भारत को अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों पर अमल करना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 के भारतीय इकदाम की मजम्मत करता है। भारत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। वो दिन जल्द आएगा जब भारत और इसराइल को अपने मुजालिम का जवाब देना पड़ेगा। फलस्तीन में दिन रात शहरियों को शहीद किया जा रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों की धज्जियाँ उड़ाईं। अमन का रास्ता ही बेहतरीन ऑप्शन है। अमन का रास्ता कश्मीरियों और फलस्तीन को उनका हक देना है। DGISPR का कहना है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हल करना नागुजीर है। मुसल्ला अफवाज हक खुददारियत के लिए कश्मीरियों के शाना बशाना है। रावलपिंडी में डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि मुल्क में 23,622 छोटे बड़े ऑपरेशन किए गए। 15 दिन के दौरान 24 दहशतगर्द हलाक किए। कलदम TTP को फितनाल खवारिज के नाम से पुकारा जाएगा। कलदम TTP फितना है, उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। DGISPR ने जाम शहादत नोश करने वाले फौजी नौजवानों के मुतालिक गुफ्तगू में बताया कि 7 माह के दौरान 139 अफसरानों जवानों ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। KPK जिम अजला बलोचिस्तान में फलाही मंसूबे भी जारी हैं। तालीमी इदारों के क्याम अमल के मुतालिक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी ब्रीफिंग बताया कि अफवाज पाकिस्तान की जानब से तालीमी इदारों का क्याम अमल में लाया गया। उन तालीमी इदारों में 80,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम सबके लिए प्रोग्राम में 7 लाख से ज्यादा तालिब इलमों को दाखिला दिया गया। बलोचिस्तान के तलबा को तालीम के साथ दीगर सहूलियात भी दे रहे हैं। बलोचिस्तान में तरक्याती कामों के बारे में गुफ्तगू करते हुए DGISPR का कहना था कि पाक फौज ने सेहत की बुनियादी सहूलियात के लिए मुल्क भर में इकदाम किए। बलोचिस्तान में पाक फौज के ताबुन से सड़कों और पुलों के अहम मनसूबे मुकम्मल किए। गवादर में पाक फौज के ताबुन से 104 मनसूबों पर काम जारी है। 86,000 से ज्यादा अहलकार इंसदाद पोलियो टीमों के साथ तैनात किए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा कल बलोच का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने गैर कानूनी इकदाम करके कश्मीर की खसूसी हैसियत तब्दील की, जो आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी बरादरी मिलकर भारत पर जोर दे कि वो इस तरह के इकदाम से बाज रहे और कश्मीरियों को उनका हक खुददारियत दे। मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था कि दुनिया में एक भी ऐसा मुल्क नहीं जो भारत के उन इकदाम को सपोर्ट करता हो। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। कश्मीरियों की आवाज़ को आगे पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत उनकी हिमायत जारी रखेगी।